अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं कामरान ज़फ़र और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जा रहा है। कल सेनेट में भी उसकी बाज़गश्त हमें सुनाई दी और सेनेट में इसके ऊपर गर्म गर्म बहस भी हुई। सेनेटर की तनख्वाहों के हवाले से कल सेनेट में बिल पेश किया गया। सेनेट में काफ़ी सारे जो पार्टीज़ हैं उनकी जानब से ये बिल रिजेक्ट कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से इस बिल की जो है वो उसको रिजेक्ट किया गया और पाकिस्तान पीएमएलएन की जानब से भी उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की सूरत हाल की, तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई तकरीबन 200 से 300 फीसद तक बढ़ चुकी है और लोगों के लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अगर हम बात करें जनरली ओवरऑल तनख्वाहों के हवाले से, तो इससे पहले वज़ीर आज़म साहब की तनख्वाह जो है वो बढ़ाई गई, 6 से 7 लाख रुपये तनख्वाह बढ़ाई गई। और इसके अलावा अगर हम बात करें सदर की, तो सदर की तनख्वाह भी जो है वो 6 से 7 लाख रुपये, इस वक्त 8,69,000 रुपये तनख्वाह उनकी कर दी गई है। जनरली अगर तनख्वाहों की बात करें, तो पाकिस्तान में जो सबसे कम तरीन तनख्वाह है वो इस वक्त 17,000 रुपये है और पब्लिक सेक्टर में जो है वो तनख्वाह 17,000 रुपये दी जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तनख्वाहें जो है वो तकरीबन 10 से 12,000 रुपये लोगों को दी जा रही हैं। 17,000 रुपये भी तनख्वाह लोगों को नहीं दी जा रही है। और अगर महंगाई की सूरत हाल पर बात करें, तो इस वक्त इंतहाई महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। गैस की अगर हम कीमतों की बात करें, 200 से 300 फीसद तक गैस की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। पेट्रोल की कीमत है, दीगर मसनूआत की अगर हम कीमतों की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में देखने में आ रही है और लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के अंदर सेनेट की तनख्वाहों का बढ़ाना बिल का पेश करना एक किसी अलमिये से कम नहीं है। और सेनेट में इसके ऊपर जो है हुकूमत के जो कुछ अरकान हैं उन्होंने भी इस तनख्वाह को रिजेक्ट कर दिया है और उनका कहना है कि यह बिल जो है मंजूर नहीं होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो जाती, तब तक तनख्वाहों के हवाले से कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो आइए नाज़रीन, इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट भक्कर की जो आवाम है उनका मौकफ़ लेने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बिल के हवाले से क्या कहते हैं और वो इसके बारे में अपना क्या मौकफ़ रखते हैं। तो आइए चलते हैं नाज़रीन और जानते हैं आवाम की राय। देखें जी, आवाम तो पहले पिस रही है। टैक्सेस का इतना बोझ डाल दिया गया है और मज़ीद डाला जा रहा है। जिस तरह कल IMF की टीम यहाँ आई हुई है और वो कोई ना कोई शरायत मनवाएगी। ये टैक्सेस हम देते हैं, वो अय्याशी करते हैं। अब देखें, उनको जो वहाँ पे प्लेट मिलती है मुर्गे की, वो मिलती है 1.5 रुपये की, रोटी सस्ती मिलती है, मछली की प्लेट असम्बली कैफेटेरिया में उनको मिलती है। तो सेनेटर्स की तनख्वाहों का क्यों बढ़ोतरी करना चाहते हैं? इनको तो मुफ्त काम करना चाहिए, क्योंकि ये आवाम की खिदमत के लिए आते हैं और खिदमत का जज्बा जिनमें होता है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कितनी तनख्वाह ली थी? 1 रुपया ली थी। चलें उस वक्त की 1 रुपये को आज के 1,000 से कर लें, 1,000 रुपये इनके लिए काफ़ी है तनख्वाह। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आवाम जो है उनको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर कन्वेंस का मसला बकर में, सड़कों का मसला है, सड़कें आप देखें टूटी हुई हैं। जो टैक्सेस हैं वो हमारे इनकी तनख्वाहों पे और इनकी अय्याशियों पर लगते हैं। अवाम को क्या मिलता है? अवाम पे टैक्सेस बढ़ेंगे, आटा नहीं मिलता लोगों को, चीनी नहीं मिलती, ये कहाँ जाती है? कहाँ जाते हैं इनके टैक्सेस? तो वो टैक्सेस जब तक हमें नहीं, वो टैक्सेस जो हैं उनकी वसूली के लिए आप जोर लगा रहे हैं, कारोबार बंद होते जा रहे हैं, लोग बेरोज़गार हैं। मज़दूरों की तनख्वाह 18,500 रुपये इन्होंने मिनिमम वेज, बिल्कुल तकरीबन 17,000 रुपये पाकिस्तान में जो है एवरेज, 18,500 रुपया मिनिमम वेज एक्ट के तहत रखी है। क्या उनको मिल रही है? आप जाके देखें यहाँ पे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, माली हैं, उनको 9,000 से ऊपर नहीं दे रहे। तो नहीं दी जा रही, बिल्कुल 10 नहीं। ये है ही प्राइवेट सेक्टर के लिए भाई। ये जो एक्ट होता है ना, लेबर एक्ट जो होता है, ये होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो जो है वो इनकी पे कमीशन होता है। वो पे कमीशन जो है वो देखे कितनी तनख्वाहें दे रहा है, नहीं लोगों को दी। यहाँ जो अब देखें ना, बकर में जो आपने यहाँ पे तैयार किया है ये जॉब ब्यूरो, उसका काम ये होना चाहिए कि वो इन लोगों के रजिस्ट्रेशन करे और उनको तनख्वाह बाई बैंक अकाउंट दी जाए। जितने भी मुलाजमीन हैं उनको बैंक अकाउंट दी जाए और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप उनके ऊपर लगाएंगे तो फिर आप तो बनाते ही नहीं हैं। सेनेट वाले कानून नहीं, जो बनता है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। क्या इन्वायरमेंट का? आप बकर में देखेंगे कि इन्वायरमेंट के हवाले से कई लोगों ने ऐसे कुएँ खोद रखे हैं जो पानी डायरेक्ट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और वो नीचे मिल रहा है उसमें, जो नीचे ज़ेर ज़मीन पानी हमारा है जिसे हम पीते हैं उसमें,
यहाँ पर जो डैक बने हुए हैं वो उनका पानी सारा इधर जा रहा है। बड़ी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे इस हालात में? इन हालात में हुकूमत की कारकर्दगी राइट फ्रॉम 47 48 कायदे आजम की वफात के बाद से इस मुल्क में कोई प्रोग्रेस नहीं है, पब्लिक के लिए कोई ज़ीरो प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। जो इनको मुआहदे करने चाहिए अब पैसा है, ये कहते हैं जी हमने बाहर पेमेंट करनी है, डॉलर की पेमेंट डॉलर से होती है ना, यहाँ पे टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? नीलम जेलम टैक्स क्यों नहीं ख़त्म किया गया आज तक बिजली के बिलों से? वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रही है वापडा, आइसको या फेस्को या लेस्को, उन्होंने बिजली जहाँ से लेनी है बिजली की कीमत लगाए ना उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट का क्या चक्कर है? फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर GST वो तो देना उन्होंने है ना, जिन्होंने फ्यूल ख़रीदा उन्होंने बनाई बिजली, बिजली हमें मिल रही है, ये जो चक्कर है इनको भी ख़त्म होना चाहिए। और उनको तो मिलते हैं 5,000 यूनिट और वो जमा होते रहते हैं, ये सेनेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको जो कारें मिली हुई हैं, उनको जो पेट्रोल मिलता है वो किस खाते में जाता है? और ये ऐसी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तनख्वाहें आप लोगों को अपलिफ्ट करें, उनके लिए काम करें, आपको तो वहाँ पर मुफ्त बैठना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी तनख्वाह लेते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी तनख्वाह ली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? अवाम के लिए किया ना, क्या सूखी रोटियां खाई लेकिन अवाम को दिया? ये गरीब खून लोगों का खून चूस कर इनके हवाले किया जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, जो 100 रुपये 150 रुपये किलो का रेट घी का रेट था वो 250 क्रॉस कर गया है, गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है। मैंने MP को दिया जाओ और इनके सीटों पर बिठाए जाओ, यही मकसद है, कोई और मकसद भी है इन लोगों का? मेरे कागजों में तो ये हुकूमत बहुत गलत काम कर रही है। कैसे कम है गरीब आदमी की? मेरे बेटे 2 हैं जो BA पढ़े हुए हैं, 16,000 तनख्वाह ले रहे हैं, मैं भी तो गुजारा कर रहा हूँ, उनका 3 लाख से 2 लाख से गुजारा नहीं होता। पहले तो बात ये है कि जब आवाम का बजट आता है आवाम के लिए ये 5% पे बात करते हैं, और जब इनकी बारी आती है तो ये 400% की बात करते हैं। अभी आप देख लें कि इनका और आवाम के स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या है ये, कितना आवाम के लिए काम कर रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं, सरासर गलत है। प्रोटोकॉल्स इनको है, उसके बाद ये जो चीज़ भी अपने लिए रखते हैं वो आवाम से बढ़ के रखते हैं, और जब आवाम की बारी आती है तो जो बजट है वो 5% लगा देते हैं, और जब महंगाई है वो फिर उसकी कोई परसेंटेज नहीं है, वो बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका कोई वही। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे बजट पेश किया जाता है इसी तरह उसी में सालाना हर चीज़ की चीज़ जो कीमत है वो मुख्तस कर दी जाए, 10,000 20,000 जिसको जैसे मजबूरियाँ लोगों की, 40,000 रुपये इस टाइम एवरेज एक मज़दूर की तनख्वाह तो वो घर चला सकता है, अदरवाइज़ घर नहीं चला सकता। या जो लोग सरकारी हैं उनकी भी 40,000 40,000 से अबव, यानी एक आप एक पर एवरेज पूछ रहे हैं 40,000 रुपये इस टाइम जो हालात चल रहे हैं। बिल्कुल बढ़ाई जाए, इमरान खान बताते खुद एक अच्छा बंदा है, लेकिन जो उसके नीचे है ना बंदे उनमें से कोई करप्ट हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान बताते खुद एक नेक अच्छा नमाजी शरीफ, देखें आप हज उम्र करके आया है। फिर लोग तो कहते हैं तब्दीली आ गई, कर्जा उतर है, कर्जा ऐसा ऐसा उतर गया तो फिर मुल्क एक तरक्की की राह पे नहीं आएगा। नून लीग ने सिर्फ कर्जा ले 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 के उसको हमारे मुल्क को एक नीचे कर दिया, हमारे सामने तो वो शोहत अच्छा है। जो इस वक्त तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है, इमरान खान साहब की तनख्वाह बढ़ाई गई है, वज़ीर आज़म की तनख्वाह जो है वो तकरीबन 8 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि सदर की तनख्वाह जो है 8,89,000 रुपये कर दी गई है, तो इससे कर्ज उतर जाएगा आप क्या समझते हैं? पहले तनख्वाहें जो है वो इंतहाई कम थी, अब तनख्वाहों को बढ़ाया गया, इससे मुल्क पर तो कोई मशियत पर असर नहीं पड़ेगा? वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? जब उसको तनख्वाह नहीं होगा, हमारा एक सरकारी मुलाजिम हो वो अगर उसको काम पे देंगे वो उसके मुताबिक काम करेगा। ये जो इन्होंने बिल पेश किया है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपने मुफाद के लिए आपने खाने के लिए पेश कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क में क्या किया है? कभी आटे का बहरान, चीनी का बहरान देख लें, गरीब आवाम को तो 2 वक्त की खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही, चीनी का बहरान देख रहे हैं, गुरबत महंगाई देख रहे हैं, और इनके पेट भर नहीं रहे हुक्मरानों के। इन्होंने अगर दीगर हम बात करें इदारों की तो उनकी तनख्वाहें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, उनका अपनी जगह पे एक अपना मौकफ ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें ज़्यादा होनी चाहिए, इंतहाई कम तनख्वाहें। इदारों में भी तनख्वाहें कम की जाएँ, आप देख लें निचले तबके में जो निचले सरकारी अफसर हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं, ये खा रहे हैं बड़े अफसर बड़े इदारे, और ऊपर से ये सैनेट में MNS MPS इतनी तनख्वाहें पे ले रहे हैं,
और मुल्क को लूट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुल्क में ऐसा करना। सरअसल तो गलत है पहले, क्योंकि महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है। पहले सबसे पहले उनको जो आवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मज़दूर लोगों की तरफ सोचना चाहिए, और बाकी जितने जो गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों में इनको और इजाफ़ा करना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मुझे माशाल्लाह काफ़ी बुज़ुर्ग शहरी लग रहे हैं और आप काफ़ी तजर्बा भी रखते होंगे इस हवाले से। कल सेनेट में तनख्वाहों के हवाले से जो है वो बिल पेश किया गया है कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, तो क्या कहना है आपका इसके? तनख्वाह में ना बढ़ाई जाएँ, लेकिन ये महंगाई कंट्रोल की जाए। मैं रेलवे रिटायर मुलाजम हूँ, ट्रेन ड्राइवर था, लेकिन हमारी पेंशन जो है ना सिर्फ 20,000 है, लेकिन 20,000 से क्या बनता है? वो भी यकम को आनी होते हैं, 6-7 को देते हैं बैंकों वाले, वो भी इस्तेमाल करते रहते हैं। हम बड़े परेशान हैं, इसलिए इस पर गौर करें और हमारी पेंशन जल्द दी जाए और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। आज मेहरबानी होगी। जनरेटरों को पहले किसी चीज़ की कमी है? ये ज़मींदार होते हैं, करोड़ों पति अरबों पति होते हैं, ये को आम नहीं जो सेनेट में आ जाता है, तो ये तो गरीब के बारे में नहीं सोचते। गरीब आवाम पिस रही है, आटा महंगा, चीनी महंगा, हर चीज़ परेशान, दालें महंगी, गुड़ महंगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं हुई इस दौर में। तो ये सेनेटर के बारे में सोच रहे हैं, इनको ये जो बैठे हैं आवानों में, ये गरीब आवाम का ये खून चूस के बैठे हैं, इनको चाहिए कि अब गरीब आवाम का सोचें। ये गरीब आवाम जो है ये किधर जाए? अब ऐसी होते हैं ना, ये बहुत जागीरदार लोग होते हैं, इनको तो चाहिए इसे तनख्वाही लेनी नहीं चाहिए, ये तो सारा पैसा आवाम के रिलीफ दे दें। बिल पेश किया गया है तनख्वाहों के हवाले से कि सेंटर्स की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ानी चाहिए, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? हमारा ये कहना है कि तनख्वाहें उनकी बढ़ाई जाएं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी अपने हालात होते हैं घरों के समाम, आवाम की भी उनको हेल्पिंग करनी चाहिए, आवाम को भी उनके बारे में सोचना चाहिए, और तमाम लोगों को ये हमारी गुजारिश है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का। वो 1.5 से 2 लाख पहले तनख्वाह ले रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं 6 लाख और तनख्वाह हमारी बढ़ाई जाए, 7 से 8 लाख तनख्वाह की जाए, और एक आम आदमी की तनख्वाह जो है वो 16 से 17 हज़ार रुपये है, तो आप मुतमईन हैं इससे? नो, ऐसे नहीं, फिर तो वही तनख्वाह उनकी ठीक है जो पहले चल रही है, इस तरह तो आवाम का नुकसान है कि आवाम की जेब से पैसे जाएंगे। हमने क्या कहना है, गरीब आदमी मुतासर हो रहा है, उनकी तनख्वाहें जो हैं 1.5-2 लाख रुपए हैं, उनका गुजारा नहीं है, तो गरीब आदमी का कैसे गुजारा होगा? बस उनको तो अपनी पड़ी है कि उनका गुजारा नहीं होता, लेकिन गरीब आदमी पर कभी भी किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मैं तो इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगा कि जितने परसेंट सेंटर की या MNA MPH की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उतने परसेंट गरीब जो छोटे मुलाजम हैं उनकी भी उतने परसेंट ही बढ़ा दें। जो छोटे मुलाजम हैं उनकी तनख्वाह उतनी बढ़नी चाहिए, वो उसी परसेंटेज से बढ़ा दें जिस परसेंटेज से उनकी बढ़ा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने भकर की आवाम की राय जानी और जो भकर की आवाम का मौक़िफ़ था वो आपने सुना, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जनरली अगर बात की जाए, तो तनख्वाहें जो हैं वो सेंटर्स की इंतहाई कम हैं और ना होने के बराबर हैं, ये मेरी एक ज़ाती राय है, और तनख्वाहें जो हैं इनमें इजाफा होना चाहिए, इनको बढ़ना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर इस मौके पर तनख्वाहों का बढ़ाना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होगा। तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, लेकिन एक ख़ास मौके के ऊपर, जबकि पाकिस्तान मुस्तहकम पोजिशन में हो, तब जाके तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन जुहेब राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।